असलामुअलैकुम, मैं यज़ान हैदर एक बार फिर एक नवी वीडियो के नाल थोड़े सारे सामने हाजिर हाँ। मेरी अज्जी वीडियो का मौजू भी कबड्डी से रिलेटिड है तो मेरे नाल माशाल्लाह साढ़े इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर मोहसिन नसीर बाला मौजूद ने। वो बहुत सारे इंटरनेशनल ते नेशनल टूर कर चुके ने। देखे तो 10 ही खिलाड़ी हैं और स्टॉपर्स में खासकर ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है बतौर सब्स्टिट्यूट्स, लेकिन उसके बावजूद मोहसिन जैसे खिलाड़ियों ने क्या आज कमाल का एक प्रदर्शन किया है। एक और धक्का देंगे, एक और अपने आप को स्थापित करना चाहेंगे। 5 बार सफलता उनके हाथ लगी है, 7 बार प्रयोग किया है यहाँ पे 9 नंबर की जर्सी में। क्या यहाँ पे मुश्किल में मोहसिन एक बार फिर वो स्टॉपर और एक और रंग मिलेगा लॉर्ड लायंस का। ये देखना है मनजोवन क्या करता है, उनके मोहसिन बाला ने उनको बुरी तरह जकड़ लिया। जी हाँ, जोबन के खिलाफ एक और स्टॉप, जोबन को तीसरी बार रोकने में कामयाब रही है ये टीम। और मोहसिन जो बहुत अच्छे एक स्टॉपर है उनके लिए अकलमंदी के साथ रेड करना चाहिए और देखना चाहिए कि एक प्लेयर बार बार वही दाव इस्तेमाल कर रहा है तो उससे मुहतात रहें या फिर उसका कोई तोड़ जो है वो निकाले। यहाँ पे तोड़ निकालने में कामयाब रहेंगे मोहसिन, बहुत मजबूत पकड़ है उनकी, उनके सामने अंग्रेज। लेकिन 30 सेकंड का वक्त बहुत ज्यादा या बहुत कम पड़ जाएगा। आओ ना दे कोलो कबड्डी से रिलेटेड कुछ सवाल कर दें। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ चलो ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक भाई। मोहसिन भाई सब तो पहले तो सानू ये दसो कि तुम ये कबड्डी कितों स्टार्ट की। मैं तकरीबन कबड्डी 2007 से स्टार्ट की थी। सही, माशाल्लाह। तो ये थोनू शुरू तो कबड्डी का शौक सी या तुसी कोई होर खेल खेलते सी? नहीं, पहले तो तकरीबन क्रिकेट खेली दी सी, हाकी खेली दी सी। तो साढ़े पिंड ना माशाल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर सन, माशाल्लाह। जिदों विचों गुलाम बास भट्ट साहब, माशाल्लाह, उस्ताद उमर याद वाला साहब, इश्तियाक अहमद वाला साहब जी। तो फिर उन्होंने देख के मैं काफ़ी शौक पैदा होया। फिर ग्राउंड से जाते थे उन्होंने देखना, फिर आस्ता आस्ता इदा कबड्डी की तरफ आ गई। तुसी किस पिंड तो बिलोंग करते हो? मेरा पिंड जी फैसलाबाद के नाल ही है, पंचक कमालपुर सरगोदा रोड के उत्ते। जिथों के कबड्डी के बहुत तगड़े प्लेयर होए ने, माशाल्लाह। हाँ जी, कुछ नाम तुसी दस सकते हो उन्होंने प्लेयर? हाँ जी, इश्तियाक वाला साहब जी, माशाल्लाह, उमर याद वाला साहब, तो गुलाम बास भट्ट साहब जी। तुसी नैशनल टीम नूं कदों ज्वाइन किया? मैं तकरीबन पंजाब की तरफों खेलिया 2007 च, चीचा उस दिन नैशनल हुई सी, मैं उत्थे खेलिया सी। उस तो बाद फिर अपने थोड़े इंटरनेशनल टूरना बारे दसो कि? हाँ जी, उस तो बाद फिर मैं अपना ट्रायल दिते सी मुल्तान मैपको टीम की तरफों, तो मैं उत्थे सिलेक्ट होया। उस तो बाद फिर मैं तकरीबन 2010 में नैशनल खेडी लाहौर पाकिस्तान वाबडा की तरफों, तो फिर बाद चा ईरान टूर होया 2010 में ही। तो फिर वर्ल्ड कप तो इसलिए अपना गए से असं आन के कैंप लगा इंडिया। सही, तो अज तक थोड़ा सब तो ज़्यादा टफ रेडर कि लगा? नहीं, तकरीबन सारे प्लेयर ही अच्छे ने जहाँ खेले, कोई प्लेयर सारे तकरीबन फड़े भी ने, कोई नहीं भी फड़े जाते, ये गेम का एक हिस्सा वा जी। लेकिन कोई कभी इन्नी टेंशन नहीं होंगी भी फलाना प्लेयर आ गए, तो कोई इदा कभी सारा ईजी रहे। हाँ जी। मोहसिन भाई तुम हूँ एक किस महकमे वालों खेल रहे हैं? मैं पाकिस्तान वाबड़ा तरफों खेल रहा जी। हाँ जी, मैपको मेरा अपना रीजन है जी। सही। हाँ जी, पाकिस्तान वाबड़ा जी। तो मोहसिन भाई जिहड़े हुण नवे प्लेयर इस टाइम बन रहे हैं या शौक रखते हैं बंदे, उन्हां दी थोड़ा की पैगाम है, मतलब कि उन्होंने केड़ी केड़ी मेहनत करनी चाहिए? ये नवे प्लेयर जो यंग प्लेयर है ना, सब तो पहले तो साढ़े जे अपना है ना कोच साहबान जी, तो उन्होंने चाहिए जो छोटे टूरनामेंट होंगे ना पिंड लेवल से, उस जिन्हें प्लेयर ज़्यादा खेलणगे ना छोटे इंप्रूव करनगे उपर आएंगे, तो टूरनामेंट जो दिहाती है होने चाहिए ज्यादा तो ज्यादा। बिल्कुल। हाँ जी, यंग प्लेयर फिर ही पैदा होंगे। जो यंग प्लेयर आ मतलब कि वो जो ट्रेनिंग करते हैं एज अ कबड्डी प्लेयर, तुम उन्होंने की नसीहत दोगे कि तुम इस चीज़ से ज़्यादा फोकस करना चाहिए? यंग प्लेयर चाहिए ही ट्रेनिंग कर, अपना रेस्ट कर, कबड्डी की गेम जरूरी है बहुत। सही। हाँ जी, तो कबड्डी की गेम मतलब एक्सरसाइज चीज रनिंग करनी चाहिए आ, डंड एक्सरसाइजा, तो शाम को ग्राउंड जान, ग्राउंड ट्रेनिंग जरूरी है कबड्डी खेलने वास्ते। तो जिदा कि कबड्डी प्लेयर बनता वो सारी बात उन्होंने अपनी जसामत पूरी रखनी पैंती है। हाँ जी, अपना वेट मेनटेन करना पैंता, वो कि खुराक जरूरी है? खुराक तकरीबन दुध हो गया, दही जी, ते बादाम जी, गोश्त वगैरह जी, ये रूटीन ना अपना ना लेवल अपना करके रूटीन च इस्तेमाल करनी चाहिए जी। भाई तुसी कबड्डी नू पाकिस्तान दे विच इहदा की मुस्तकबल देख रहे हो, कि थोड़े मुताबिक कबड्डी का की मुस्तकबल होगा?
पहले जो असी स्टार्ट की ना उदों तक कबड्डी सिर्फ पिंडा लेवल की गेम थी सही। लेकिन बाद च अपना वर्ल्ड कप होने कबड्डी काफ़ी इंप्रूव हो गई, मीडिया से आ गई है हूँ, तो प्लेयर वास्ते बहुत अच्छा मौका जो यंग प्लेयर उन्होंने वास्ते उन्होंने चाहिए मेहनत कर जल्दी उपर आ सकते हैं। जिदा वर्ल्ड कप हो रहे हैं, एशिया कप हो रहा, इंडिया च लीग हुई है, तो ये कबड्डी वास्ते बहुत अच्छा जड़ा ना एक प्लेटफॉर्म सी जी। जिस तरह तुम देख रहे हो कि क्रिकेट हाकी या दूसरी जड़े भी खेल है उन्होंने ज़्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, बट कबड्डी के लिहाज ना मतलब वो सपोर्ट नहीं हैगी, मुताबिक तुम की कहना चाहोगे? क्रिकेट तो तकरीबन कबड्डी जड़ा ना फुटबॉल हाँ जी वो अपना हैगी तकरीबन सारा जिदा यूरोप की गेम ला लो तो इंटरनेशनल लेवल पर आ, तो जी कबड्डी है साढ़े जे देहाती लोग आम आ जिदा देसी गेम ला लो मतलब इंडिया पाकिस्तान की गेम हाँ जी पंजाब की गेम आ सकाफत है कि जिदा पहले पुराने अपना होंगे सी बजुर्ग उन्हें कहना जी जवान आ मुंडा सोहना लगता वा अपना कुश्तियाँ करनिया कबड्डी खेलनी मेलिया से, लेकिन हूँ तकरीबन काफ़ी चेंजिंग आ गई कबड्डी से भी। बिल्कुल सही हाँ जी। तो तुम ये जी कबड्डी के मैच खेलते रहे हो किड़े किड़े मुल्क जाके खेल चुके हो, किड़ी टीम के खेल चुके हो अज तक? तकरीबन कबड्डी जी ना सारिया टीमों ने खेले है, वर्ल्ड कप खेले मैं इंडिया से जी जी तकरीबन 2010 से अपने 2010 से असी रन खेल के आए जी पाकिस्तान टीम की तरफों, तो उस तो बाद वर्ल्ड कप खेले इंडिया से 13 वाला वर्ल्ड कप भी खेले, 14 वाला भी खेले जी माशाल्लाह, तो उस तो बाद इंग्लैंड खेले 3 साल जी, तो 1 साल कैनेडा खेल के आए। अपने जो बेसिक कबड्डी की तकनीक है दो मुल्कों के कोल हाँ जी, एक इंडिया एक पाकिस्तान, पाकिस्तान तो तुम की समझते हो कि पाकिस्तान कबड्डी ज़्यादा बैटर खेलते हैं या इंडिया? तकरीबन इंडिया को जो बेनीफिट आना जी, उत्थे मैच बहुत ज़्यादा होंगे ने हाँ जी पाकिस्तान की निस्बत सही, उत्थे टूर्नामेंट जो स्टार्ट होंगे ना सुबह उन्हें टूर्नामेंट स्टार्ट किया ना 6 बजे नाल, तो शाम को फाइनल उन्हें कर देना वा जी, तो जरा साढ़े इतने पाकिस्तान इतने टूर्नामेंट कराते हैं 3 दिन का, तो मैच प्लेयर घट मिलते हैं, तो यदा करके भी थोड़ा फर्क पैंदा वा। हाँ जी। तो तुम हम नवे आने वाले प्लेयर में कोई मैसेज देना चाहो, कोई नसीहत करना चाहो? मेरा यही है जी अपना यंग प्लेयर उन्होंने वास्ते यही मैसेज आ कि अपना नेक नीति ना मेहनत कर, डाइट अच्छी लैन, अच्छी ट्रेनिंग कर, स्टीरॉयड ना यूज़ कर, हाँ जी लौंग तुसी कबड्डी खेल सकते। सही हो गया, बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, तुसी अपना कीमती टाइम सानू दिता, बहुत अच्छा लगे थोड़े ना गल करके, इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होएगी। इंशाल्लाह जरूर भाई। यह सी जी अपने इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर मोहसिन नसीर बाला, जो कि प्लेयर होने के नाल नाल बहुत अच्छे इंसान भी ने, इखलाक के बहुत अच्छे ने, तो उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिता नवे आने वाले जवानों ने। इसी तरह आप कबड्डी के रिलेटिड होर प्लेयर्स नाल मुलाकात करते रहेंगे, कबड्डी के मतलब पूछते रहेंगे। मेरी ये वीडियो नू देख के लाइक करो, शेयर करो, चैनल नू सब्सक्राइब करो, तो बैल आइकन लाजम दबा देना ताकि हर आने वाली वीडियो सब तो पहला थोड़े तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।